हाय फ्रेंड्स, तो आज हम कप्तान कुर्ती कटिंग करेंगे, तो चलो उसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है तो हम आर्मोल डाउन ले लेंगे 7.5, उसके बाद है तो वेस्ट डाउन ले लेंगे 14 इंच पे मार्किंग कर लेंगे, और है तो हिप डाउन करेंगे 20.5 पे। तो हम ये मार्किंग को स्ट्रेट कर लेंगे। वीडियो थोड़ा फास्ट जा रहा है ताकि आप बोर ना हो। तो हम है तो चेस्ट रखेंगे 20.5 है, मीन्स 10 1/4 होगा, और वेस्ट है तो 18 है, यानी 9 इंच रखेंगे अभी मार्किंग पे, और हिप 21/5 है, 10 3/4 रखेंगे। और ये सिंगल स्टिच ही आएगा खाली, इसको 2 या 3 स्टिच नहीं करेंगे, जो मार्किंग है उस पर सिंगल स्टिच करेंगे कप्तान में, केवल एक सिलाई। तो यहाँ हम मार्किंग विल से मार्किंग दूसरी तरफ भी उठा लेंगे, और है तो अभी हम ये मेन पल्ला है इसके ऊपर है तो लाइनिंग रख के देख लेंगे, यानी अस्तर कि ये फिक्स है कि नहीं, या एक्स्ट्रा हमें कुछ काटना पड़ेगा। तो ये फिक्स है, इसको कोई काटने की ज़रूरत नहीं है, इसका पन्ना बड़ा ही होता है, क्रेप कपड़ा है वो। तो नेक काट लेंगे अभी, तो नेक का जो ब्रॉड है 6.5 है, डिवाइड बाय 2 करें तो 3.25 होता है, और इसका डीप है तो 7 इंच है, फ्रंट नेक का डीप 7 इंच है। तो हम ये मार्किंग कर लेंगे, ये तो आप वी शेप काटेंगे, और है तो इसके बाद हम बैक नेक काटेंगे। बैक नेक है तो उसका डीप है तो 2.5 रखेंगे, स्ट्रेट टेप है जो स्ट्रेट रखेंगे, क्रॉस में नहीं रखेंगे। तो ये 2.5 पे मार्किंग करके राउंडिंग दे देंगे उसको, और ये कट कर लेंगे। तो अब हम इसके बाद कैनवस कट कर लेंगे, ये हमारा फ्रंट बैक कट हो गया है, तो कैनवस कट कर लेंगे इसको एकदम करेक्ट। सुई से हम इसको एकदम स्ट्रेट कर लेंगे, कहीं पे भी फोल्डिंग ना आए, नहीं तो नेक कट सही नहीं होगा। ये पेपर कैनवस है, इसको आप आयरन से ना पेस्टिंग भी कर सकते हैं, और ये 1/4 एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, जो हमारी मार्जिन है ना नेक में वो इस पर कवर हो जाएंगी, तो फिक्स नेक्स आएगा। हम ये है तो इसको पहले ही आयरन से पेस्टिंग कर लिए हैं, चारों तरफ इसको स्टिच कर लेंगे। और इसको अब सेंटर करके मार्किंग कर लेंगे दोनों तरफ, फिर कट करेंगे। ये वीडियो बहुत फास्ट जा रहा है, आपको अगर से कुछ ना समझे तो आप स्लो करके, नहीं तो रिटर्न भी देख सकते हैं। और आप अगर से ये सेंटर चटका कर लेंगे, हम मेन को सेंटर चटका मार लेंगे, और इस पर भी लाइनिंग पे, ताकि हमें स्टिचिंग करने आसानी हो और हमें सेंटर मिले, और वहाँ अगर से आप एक सुई या पिन भी लगा दिए तो बेटर रहेगा, जो हम ऑलरेडी लगा रहे हैं। अब यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करते हैं, पहले लाइनिंग को फोल्ड कर देंगे नीचे साइड, एक पल्ला हो गया है, सेकंड वाले को भी उसी तरह करेंगे, सेम वैसी 1/2 इंच का फोल्ड। उसके बाद है तो अभी हम अटैच कर लेंगे मेन पल्ले को लाइनिंग से, ये आप है तो 1/4 इंच की स्टिच करें पूरा स्ट्रेट में, और ये दूसरा साइड भी स्टिच कर लेंगे पूरा स्ट्रेट एंड तक करें। ये स्टिच हो गया है, और उसके बाद है तो ये दूसरा पल्ला फिर से स्टिच कर रहे हैं हम। अभी हम नेक की तरफ स्टिच कर लेंगे पूरा, राउंडिंग में स्टिच करेंगे पूरा, और ध्यान से पिन लगा के स्टिच करें, बगैर पिन के या सुई के स्टिच ना करें, फोल्डिंग आती है और नेक सही नहीं बैठता है। ये स्टिच पूरी हो गई है हमारी,
उसके बाद ये कट कर लेंगे हम। फ्रेंड्स अगर से आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे, नहीं तो एक नया वीडियो बना के आपका वो सोल्यूशन भी दे देंगे उसका। तो ये नेक सेंटर मार्किंग कर लेंगे, अभी अटैच कर लेंगे, सुई से अटैच करें या फिर पिन से अटैच करें ताकि नेक इधर उधर ना जाए। ये शोल्डर ना होने से इसकी परेशानी ज़्यादा होती है कप्तान को बनाने के लिए, क्योंकि इसको अलग अलग नहीं बना सकते। ये हम पूरा स्टिच कर लें, उसके बाद है तो चटके भी मारे आप नेक पे, चारों तरफ बगैर चटके मारे या नॉच लगाए आप स्टिच नहीं कर सकते, करेक्ट नेक नहीं आता है। जितने ज़्यादा लगाए और करीब से ना मारे, एकदम करीब से मारेंगे तो अपनी स्टिचिंग भी कटने के चांसेस रहते हैं। तो अभी हम किनारी मार देंगे नेक को, हमारे पेपर कैनवस को वन साइड करके, खाली पेपर कैनवस पे ही स्टिच होंगी, मेन पे नहीं होगी, मेन पे उसके बाद करेंगे। तो अब हम ये मेन पे भी स्टिच कर रहे हैं, ये फाइनल स्टिच होंगी नेक की। ये हमारा नेक बन के तैयार हो गया है। अब हमें तो जो स्लिट फोल्ड करते हैं हम टॉप में साइड का, उसी तरह इसको पूरा फोल्ड करेंगे, चारों तरफ फोल्ड करते हैं, लेकिन ये पर्पल है इसलिए उसको डिफरेंट थ्रेड से स्टिच करेंगे जो पर्पल से मैच हो। अभी हम इसको ग्रीन से स्टिच कर रहे हैं कप्तान को, पूरी स्टिच हो गई। अभी सेकंड साइड भी वैसे स्टिच कर देंगे। अब ये सिंगल स्टिच जो है ये हम मेन पल्ले पे ऐसी मारेंगे, दोनों को रख के सीधे तरफ से, उल्टे तरफ से ना मारे, बहुत बार उल्टे तरफ से ही मार देते हैं, हमारे साथ भी हुआ ऐसी इसलिए बोल रहे हैं आपको। तो ये आर्मोल की मार्किंग करके यहाँ पे भी स्टिच कर देंगे, ये अब दूसरे साइड भी सेम वैसी स्टिच होगी इस तरह से। तो अब ये पर्पल थ्रेड चढ़ाए हैं तो इससे स्टिच कर देंगे। ये भी पर्पल से चारों तरफ स्टिच कर देंगे, इससे थोड़ा लुकिंग अच्छा आता है उससे। ये हमारी स्टिच कंप्लीट हो गई। ये लेस लगा देंगे वाइट कलर के नीचे, इससे हमारा कप्तान और अच्छा दिखेगा। स्टिच मारते समय ध्यान दे, अगर से लेस के मोती अगर से ज़्यादा ऊपर तक है तो आप सिंगल दाब लगा के भी स्टिच कर सकते हैं। ये हमारा थोड़ा हाफ इंच की क्लॉथ है या लेस है तो उसके लिए हम कंफर्टेबल स्टिच कर पा रहे हैं। तो ये हम नीचे का एक पल्ले का फ्रंट का लगा दिए, बैक में भी सेम आएगा, लास्ट में इस तरह फोल्ड कर दे, कच्चा ना रखे, फिनिशिंग नहीं दिखता है वो। फोल्ड करके हम स्टिच कर देंगे यहाँ पे, ये एंड तक स्टिच हो गया है। बैक में भी इसी तरह लगा देंगे, तो फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो आप हमें एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब या एक लाइक की वजह से हमें बहुत हिम्मत मिलती है, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए हमारा कप्तान बन के किस तरह तैयार हो गया है।